ड्रामा सीरियल मेरा वादा की एपिसोड नंबर 19 में क्या कुछ होने वाला है जानिए मेरी इस वीडियो में। अगर है चैनल पे नए तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। जी हाँ, तो एपिसोड नंबर 19 में आप लोग देखेंगे कि जब अली आएगा सारा के पास और उसको तसल्ली देगा, तो जिस पर सारा अली को बोलेगी कि कभी कभी तसल्ली के दो बोल परेशानियों को ख़त्म तो नहीं करते लेकिन काफ़ी हद तक कम ज़रूर कर देते हैं। जिस पर अली सारा से बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा हूं और तुम मुझे अपने पास ही पाओगी। उधर दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि उधर दूसरी जानब शहीर जो है वो कहता है अली को कि पता नहीं हम किस लोगों में पाला पड़ गया है हमारा, ये लोग हमें भी बेइज्जत करवाएंगे। जिस पर अली आगे से कहता है कि जीशान की गलतियों की सज़ा हम सारा को क्यों दें, इसमें सारा का क्या कसूर है जो जीशान ने ये सब किया है। उधर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है सारा की माँ, और वो अपने बेटे जीशान को बोलती है कि अमीर होने का ख्वाब लगता है कि ख्वाब ही रहेगा अब हमारा, और बोलती है अपने बेटे को कि ये जो दिन भरने की ख्वाहिश है ना, मुझे लगता है कि ये मुझे कब्र तक पहुंचाने के बाद ही हल होगी, वरना तो मुझे कोई भी आसार जो है वो नज़र नहीं आ रहे। उधर जब जीशान कहता है अपनी माँ को कि मुझे अली के ऑफिस में जो है वो जॉब मिलने जा रही है, मुझे वहाँ पर सारा से बात करें कि मुझे वो यहाँ पर जॉब मिले और मैं वहाँ CV जमा कराने जाऊँगा, जिस पर सारा सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि और किसी भी ऑफिस में जाए, जीशान जो है वो अली के ऑफिस में हरगज़ नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या रोक पाएगी जीशान को अली के ऑफिस जाने में सारा, या फिर अली खुद जो है वो जीशान को अपने ऑफिस में जॉब दे देगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।